Hey guys, welcome और welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे ही होंगे. So guys, इतने सारे dresses आए हैं Urbanics से, जल्दी से मैं इसकी unboxing करके वापस आती हूँ और फिर हम start करेंगे ये haul. गाइस फाइनली मैंने अर्बैनिक से शॉपिंग कर ली है और ये मेरे चैनल पे फर्स्ट अर्बैनिक हॉल होने वाला है. सो मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार बर्थडे ड्रेसेस अर्बैनिक के ट्राई किए जाए. तो मैंने ऑर्डर किए हैं बहुत सारे बर्थडे पार्टी या कॉकटेल ड्रेसेस और साथ में कुछ बैग्स भी ऑर्डर की है जो काफी ज्यादा क्यूट लगी थी मुझे. वो मैं आपके साथ एंड में शेयर करने वाली हूँ. सो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस हॉल के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप इनटू वीडियो. सो गाइस फर्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये नॉट कॉकटेल ड्रेस. तो इसका पैकेजिंग कुछ इस टाइप का है तो जल्दी से इसको ओपन करते हैं. तो ये मैंने ऑर्डर किया था ब्राउन कलर में. इसमें टोटल 4 कलर्स अवेलेबल थे बट मुझे ये काफी ज्यादा प्रिटी लगा इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया. तो गाइस अगर इसके फ्रंट की बात करें तो इसका ऐसा ऐसा कुछ डिजाइन है. यहाँ पे आपको ये ऐसे 2 नॉट मिल जाते हैं और उसके बाद ये ऑफ शोल्डर पैटर्न में ये डिजाइन दिया हुआ है. ये आपके साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो. और बैक की अगर इसके बात करें तो यहाँ पे नॉट दिए हुए हैं और नीचे चेन भी दिया हुआ है तो फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप आपके बॉडी के अकॉर्डिंग इसको फिट और लूज कर सकते हो तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात लगी मुझे इसको. और इसकी वजह से इसका फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है. अगर बात करें इसके हाइट की तो पिक्चर में जैसे दिखाया था उतनी हाइट है बट एंकल लेंथ अगर इसकी होती तो काफी ज्यादा अच्छा लुक आता. एंकल या उससे थोड़ा सा नीचे होता तो हील्स के साथ काफी ज्यादा अच्छा लुक आता है इसका. अदरवाइज इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है ये. इसका जो प्राइस है वो था 2090 और ये मुझे 25% डिस्काउंट पे मिला था. इसका करंट जो प्राइस है विद इमेज में स्क्रीन पे अटैच कर दूंगी सो आप चेकआउट कर सकते हो. और सारे ही प्रोडक्ट के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो. इस ड्रेस को देख के तो मुझे मेरे प्री वेडिंग की याद आ गई. उस टाइम मैंने इस टाइप का एक गाउन पहना था बट उसकी जो हाइट थी इससे काफी ज्यादा बड़ी थी. बट अगर इस ड्रेस की बात करें तो इसके प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी, फैब्रिक और लुक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगा मुझे. काफी अट्रैक्टिव है ये ड्रेस तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी. ओके सो नेक्स्ट इज पैचवर्क बॉडीकॉन ड्रेस. तो ये मैंने व्हाइट कलर में लिया था और इसमें और कोई कलर अवेलेबल नहीं है. ये मैंने लिया था इन द साइज L. सो गाइस अगर इस ड्रेस की बात करें तो ये कुछ ऐसा सा नेकलाइन है इसका. स्लीव्स में देखो आप, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा ये पैटर्न बनाया है, पफी स्लीव्स टाइप. और यहाँ पे इलास्टिक मिलेगा आपको तो आप एडजस्ट कर सकते हो. अगेन इसके बैक में चेन मिलेगी आपको तो आप फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. और यहाँ पे जो नीचे मटेरियल है उसका अलग है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका मटेरियल. सो गाइज ओवरऑल अगर इस ड्रेस की बात करें तो फैब्रिक इज सो गुड एंड कंफर्टेबल. बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये ड्रेस. अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका ओरिजिनल प्राइस था 1490 बट अगेन मुझे ये डिस्काउंट पे मिला तो कूपन अप्लाई करने के बाद आपको ये 1000 के अराउंड आ जाएगा. और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इस प्राइस रेंज में मुझे इतना अच्छा और ब्यूटीफुल ड्रेस मिला है. सो डेफिनेटली आई विल रेकमेंड दिस वन. सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर बर्थडे और आउटिंग और एनी पार्टी देन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट इज नॉट स्लीव ड्रेस और इसमें भी सिर्फ 2 कलर अवेलेबल थे, ब्लैक एंड रेड. सो आई गॉट दिस इन रेड कलर. कुछ ऐसा सा ड्रेस है ये. सो ये अगर आप देखोगे इसके नॉट मैंने ट्राई करने के बाद ऐसे रखे थे. सो आपको ये मिल जाता है यहाँ पे दोनों साइड पे ये नॉट. सो आपके हाइट के अकॉर्डिंग और जितना आपको डीप नेक चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ये नॉट यहाँ पे अटैच कर सकते हो. और इसको यूज करके आप अलग अलग स्टाइल भी कर सकते हो. आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो या फिर बैक में भी ट्राई कर सकते हो, इट्स अप टू यू. इसकी अगर फैब्रिक की बात करें तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है. ये बॉडीकॉन ड्रेस है और आप अगर करेक्ट साइज में जाओ तो ये परफेक्टली आपके बॉडी को हग करेगा. अगेन इसमें यहाँ पे एक साइड में स्लिट दिया हुआ है जिससे इसका लुक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. पहनने के बाद मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा. दिखने में तो ये एक सिंपल सा ड्रेस लग रहा है बट पहनने के बाद इसका जो लुक आने वाला है ना वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है. सो ये डेफिनेटली ट्राई करना. हील्स के साथ आप पेयर कर सकते हो पार्टी या कॉकटेल के लिए. ये आउटफिट तो परफेक्ट रहेगा और काफी अफोर्डेबल भी है. तो अगर आप
अफोर्डेबल रेंज में कोई ड्रेस सर्च कर रहे हो तो दिस वन इज गुड ऑप्शन फॉर यू. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये है स्प्लिट कॉकटेल ड्रेस और इसमें ही एक ही कलर अवेलेबल था. फर्स्ट लुक एट दिस राइनस्टोन डिजाइन, इट लुक सो अमेजिंग. इसी के वजह से मैंने ये ड्रेस परचेस किया था. पैटर्न की बात करें तो वी नेक में ये है और इसमें सिर्फ ये स्ट्रैप मिल जाएगी आपको जो कि एडजस्टेबल है बैक साइड से. और बैक की अगर इसकी बात करें तो बैक में अगेन इसमें चेन दिया हुआ है तो फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. और इसका मटेरियल वेलवेट है और ये एक बॉडीकॉन ड्रेस है जिसके यहाँ पे साइड में आपको एक स्लिप मिल जाएगी जिससे इसका लुक बहुत ही एनहांस हो रहा है. ब्लैक इज माई अल्टीमेट फेवरेट और जब भी मैं कंफ्यूजन में होती हूँ आई ऑलवेज गो विद ब्लैक. सो ये भी कुछ इस टाइप का ड्रेस है जो आप बर्थडे में पार्टी में कहीं पे भी वेयर कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो. सो इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है तो अगर आपको इस टाइप के ड्रेसेस पसंद है तो डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट. सो ये थे सारे ड्रेसेस जो मैंने ऑर्डर किए थे. अब चलते हैं बैग की तरफ. दो बैग्स थी जो मैंने ऑर्डर किए थे वो मैं आपको दिखाना चाहती थी. सो फर्स्ट इज दिस क्यूट पिंक बैग. सो ये एक हैंड बैग है और ये पिंक कलर में थे और इसका जो कलर है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने ये परचेस किया. और अभी तक इसका टैग भी नहीं निकाला मैंने. और ये कुछ इस टाइप का हैंड बैग है. ये मेरे अभी के टॉप से मैच हो रहा है. लुक एट दिस बैग गाइस, कितना ज़्यादा क्यूट है ये बैग. और इसमें स्लिंग भी मिल जाती है आपको तो एज अ स्लिंग भी आप इसको कैरी कर सकते हो. और हैंड बैग भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ये. अभी इसमें मैंने फिलिप निकाला है तो इसका शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है बट आप इसमें अगर जैसे कैरी करोगे उस टाइम इसमें जब आप सामान डालोगे तो काफ़ी प्रिटी लगेगा ये. और इस टाइप के जो कलर है इजिली मिलते नहीं है मार्केट में तो जब मैंने ये अर्बैनिक पे देखा तो मैंने पहले इसको ऐड कर लिया था कार्ड में क्योंकि ये मुझे चाहिए था. ऐसे वाले कलर्स काफी ज्यादा प्रिटी लगते हैं. सिंपल आउटफिट के साथ भी आप एक कलर वाला ऐसा बैग कैरी करो तो आपका पूरा लुक जो है एनहांस हो जाता है. सो विथ थम्स अप फॉर दिस वन. मुझे तो काफी प्रिटी लगा. आपको कैसे लगा ये कमेंट करके जरूर बताना. ओके सो कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल, ये है काउ प्रिंट होबो बैग. और ये जब मैंने देखा था ना मुझे लगा इस टाइप का मेरे पास एक भी बैग नहीं है और काफी क्यूट लग रहा था पता नहीं क्यों. सो मैंने सोचा ये तो परचेस करना चाहिए, देखना चाहिए कैसे आता है. तो ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में आया था. नॉर्मली इस टाइप का पैकेजिंग ही आता है अर्बैनिक से. सो मुझे मिला ये बैग और ये काउ प्रिंट आप देखो इसमें काफी क्यूट लग रहा है ये. मैंने जब इसको देखा था तो मुझे लगा था इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा होगा बट ये तो सही है. और आप इसे एज अ शोल्डर बैग भी कैरी कर सकते हो या फिर एज अ हैंड बैग भी कैरी कर सकते हो. मटेरियल की अगर बात करें तो इस प्राइस रेंज में इसका जो मटेरियल है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये. और इसमें सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है तो और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है बट नॉर्मल आपका मेकअप का सामान इजीली आ जाएगा इसमें. सो काफ़ी क्यूट सा बैग है ये. आई डोंट नो मैं इसको कहाँ पे कैरी करूँगी बट मैंने सोचा चलो इतना क्यूट और इतने कम प्राइस में मिल रहा है तो इसको ट्राई करना तो बनता है. सो इसका प्राइस था 490 rupees और ऑलरेडी इस पर डिस्काउंट चल रहा था और अगेन मुझे इस पर 25% डिस्काउंट मिला तो ये मुझे मिला था सिर्फ 285 rupees का. गाइस कैन यू इमेजिन इतने कम प्राइस में जो ये मुझे बैग मिला है. काफ़ी अफोर्डेबल डील लगी मुझे ये. और इतना क्यूट बैग इतने कम प्राइस में किसको नहीं चाहिए, मुझे तो डेफिनेटली चाहिए. सो ये तो डेफिनेटली मैं रखने वाली हूँ और ये प्रोडक्ट इस हॉल का सबसे कम प्राइस वाला प्रोडक्ट है. सो गाइज ये था मेरा फर्स्ट अर्बैनिक हॉल और ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. सारे ही प्रोडक्ट की क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी थी सो इट वॉज वर्थ बाइंग. और मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ मेरे नेक्स्ट परचेज के लिए फ्रॉम अर्बैनिक. और फर्स्ट टाइम मैंने परचेज किया इसलिए मुझे 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिला. सो सारे ही प्रोडक्ट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. और इस हॉल में से कौन सा ड्रेस आपको सबसे अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. और गाइज बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते. सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.